क्या हाल चाल है भाई आप लोग के। सेमीफाइनल्स कृष्णा नागर जी पैरालंपिक्स टोक्यो 2020 भिड़ेंगे कॉम्प्स क्रिस्टिन ग्रेट ब्रिटेन SH6 के साथ। योयोगी नेशनल स्टेडियम कोर्ट नंबर 1 से सीधा आपके द्वार। हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल फीलिंग गाइस? कैसा लग रहा है सेमीफाइनल मैच? से कुछ ही देर में शुरू होगा एक और घमासान। अपडेट के लिए मैं बता दूं यार कि आज पीयूष भगत जी का एक मिक्स्ड मैच है, राइट, पलक कोहली जी के साथ। मतलब पलक कोहली जी उनके फेवर में रहेंगी, ऑब्वियसली उन्हीं के साथ खेलेंगी अगेंस्ट टू मोर प्लेयर्स। उसका लाइव स्ट्रीम भी हम लोगों ने बना रखा है, चैनल पे जाइए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उस लाइव स्ट्रीम को फटाफट से रिमाइंडर के तौर पर सेट कर लीजिए। 11:45 पे वो मैच जो है स्ट्रीमलाइंड है, जहां तक मुझे याद है। एक बार मैं आपको गो थ्रू करा देता हूं सारी चीजों से, जो जो चीजें हम आपको लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं। ये देखिए यार, 11:45 पे SL3 SU5 कैटेगरी सेमीफाइनल्स, प्रमोद भगत एंड पलक कोहली जी। एंड उसके ठीक बाद जो है ये मैचेस में यहां पर फेरबदल हो चुका है। मनोज सरकार का सेमीफाइनल जो है वो हार चुके हैं, तो वो ब्रॉन्ज मैच के लिए फाइट करेंगे 3 बजे। एंड देन मूविंग ऑन फर्दर, गोल्ड मेडल मैच होगा प्रमोद भगत जी का 3 बजे। ये दोनों मैचेस एक साथ स्ट्रीम हम लोग करने वाले हैं, तो इन मैचेस को भी आप लोग देखना ना भूलें, ठीक है गाइस? ये मैच देखना ना भूलें। और अभी आ जाते हैं वापस से यहां पर। तो बहुत सारी चीजें हैं, सुबह दो सेमीफाइनल्स हम लोग हार गए, दो सेमीफाइनल्स हम लोग जीत गए। प्रमोद भगत जी का एक सेमीफाइनल हम लोग जीत गए, दूसरा सेमीफाइनल यतिराज जिन्हें हमें जिता दिया। बहुत ही बेहतरीन मैचेस थे दोनों, और दो मैच जो हम हार गए उनके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें आगे बढ़ते चलना है, ये ध्यान रखें। सो एक बार फिर से बता दूं, कोम्स क्रिस्टेन वर्सेस नागर कृष्णा सेमीफाइनल मैच कोर्ट नंबर 1 पे सीधा योयोगी नेशनल स्टेडियम अब से थोड़ी देर में शुरू होगा। SH6 कैटेगरी का मतलब है स्पोर्ट्स क्लास SH6, एंड एम्पायर होने वाले हैं जुओ जस्टिन एंड सर्विस जज हैं जापान के टोई टुसोटोमो टुसोटोमो। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा लाइव मैच कवरेज। अब से कुछ ही देर में ग्यारह पैंतालीस का जो फाइनल जो सेमीफाइनल है और जो आज शाम के फाइनल्स हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के लिए बड़ी स्क्रीन पर लेकर के आए। कोशिश करेंगे कि वो लाइव स्कोर्स हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं, राइट? सो अभी के लिए थोड़ी सी माफी चाहूंगा कि मैं बहुत छोटा सा आपको दिख रहा हूंगा, एंड आगे हम बढ़ेंगे इसी मैच में। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि 10 बजे मैच शुरू होना था, 10:03 हो चुकी है। सो क्या लगता है गाइस, क्या होगा इस मैच में? इंडिया के लिए, इंडिया के लिए, ओनली फॉर इंडिया। फटाफट से आ जाए मेरे साथ। फटाफट से आ जाएगा इस, अब से थोड़ी ही देर में मैच शुरू होने वाला है।
Match is going to start really soon. Just for Team India, we are going to be here. क्या लगता है गाइस, क्या लगता है? गोल्ड मेडल मैच अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। फटाफट से आए, आप लोगों का इंतजार, वॉचिंग, वेटिंग फॉर यू पीपल, वेटिंग फॉर यू पीपल एग्जैक्टली। आप लोगों के इंतजार में मैच को हमने रोक रखा है गाइस। कूब्स क्रिस्टन कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी भी ले लेते हैं कि भाई कोई ऐसा रिकॉर्ड का मेंशन यहां हो नहीं रखा है। ठीक है, बैडमिंटन के मैचेस सेमीफाइनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ जी साहब, रिफ्रेश कर लेते हैं। दिस इज द कंडीशनिंग। लाइव डेफिनेटली लिखा हुआ आ रहा है गाइस, लाइव डेफिनेटली लिखा हुआ आ रहा है, मगर लाइव हो नहीं रहा है, पता नहीं, हो सकता है प्रोसेसिंग थोड़ा सा स्लो। एक बार रिफ्रेश, पीछे जाकर वापस आगे की तरफ आ जाते हैं। और ये देखिए, यहां पर लाइव दिखा दिया है, हम इसी लाइव को एक बार वापस से क्लिक कर लेते हैं एंड वी आर इन टू द मैच। ओ नहीं, हमारे कंट्री का मैच नहीं है ये। देखिए, मैंने क्लिक किया था आपके सामने इंडिया के मैच पे और क्लिक कहाँ हुआ। देखिए, एक बार फिर से मैं क्लिक कर लेता हूं। कूब्स कूब्स मैच की शुरुआत अभी नहीं हुई है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है वो ये है कि भाई G1 का मतलब होता है गेम 1, G2 का मतलब है गेम 2, G3 इज गेम 3, और JPN का मतलब है जापान, NZL का मतलब है न्यूजीलैंड से जो हमारे एम्पायर है, SH6 इज द स्पोर्ट्स कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत
बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। अभी 7 जने मेरे साथ जुड़े हुए और हम सभी वेट कर रहे हैं मैच के शुरू होने का, सेमीफाइनल मैच आज यहां हम देखते हुए। सेमीफाइनल्स ऐसा कह दिया गया है कि भाई लाइव मैच शुरू हो चुका है, बट 9 मिनट हो चुके हैं, कोई चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। कोई चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है गाइस। देखें कोशिशें पूरी जारी कि हम आपको मैच दिखा सकें, साक्षात्कार हम करा सकें आपको मैच का। सेमीफाइनल्स इंडिया वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन। नागर कृष्णा वर्सेस कुम्स। मैं देख पा रहा हूं कि दोनों ही प्लेयर बड़ी तेजी के साथ फील्ड में आते हुए, तबीयत थोड़ी सी नासाज। टॉस के लिए यहां हम देख रहे हैं कि टॉस थोड़ी ही देर में टॉस हो जाएगा। टॉस हो चुका है गाइस, एंड कोर्ट की अदला बदली यहां चलते हुए। अभी फिलहाल कोर्ट की अदला बदली चलते हुए, 2 सेकंड में हम लोग वापस लौटेंगे आप लोगों के पास। मैच की शुरुआत हो चुकी है, शटल कोम्स के हाथ में, शटल कोम्स के हाथ में। इंडिया के प्लेयर नागर कृष्णा नॉकिंग करते हुए, बोथ ऑफ देम आर नॉकिंग राइट नाउ। डबल्स मैच के केस में दोनों तरफ कोर्ट के अपने अपने देश के खिलाड़ी होते हैं जो अपने अपने देश के खिलाड़ियों को नॉकिंग करवा रहे होते हैं, बट यहां सिंगल्स मैच के केस में दोनों ही ओपोजिशन प्लेयर्स को अपने अपने खिलाड़ियों को नॉकिंग कराना बेहद जरूरी। फटाफट से हम आप लोगों की लाइव चैट को भी खोल लेते हैं। फटाफट से हम आपकी लाइव चैट को खोल लेते हैं। देख लेते हैं कि क्या चल रहा है गाइस। मैच शुरू होने में कुछ देर बाकी, बस अभी नॉकिंग
चल रही है गाइस, नॉकिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ, नॉकिंग इज गोइंग ऑन। कृष्णा नागर जी अपनी जैकेट जो है उतार चुके हैं एंड ही इज ऑल सेट टू वॉच एंड प्ले अगेंस्ट कुम्स क्रिस्टेन। मैच की शुरुआती दौर, मैच का शुरुआती दौर आप लोगों के ठीक सामने। कुम्स क्रिस्टेन वर्सेस नागर कृष्णा, दोनों ही प्लेयर बेहद बेहतरीन। गेम वन शुरुआत हो चुकी है एक एक पॉइंट के साथ दोनों। नागर कृष्णा लीड पर, 2-1 के स्कोर के साथ नागर कृष्णा इज ऑन द लीड। गाइस 1 मिनट का मैच बीत चुका है, सबसे लंबी रैली जो अभी तक चली है वो है 15 सेकंड की रैली जो पहले पॉइंट के अंदर थी। अब देखना यह है कि क्या चीजें चलती है। 2-2 का स्कोर, दोनों प्लेयर्स बराबरी पर। नागर कृष्णा कोशिश करेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन के कुम्स के ऊपर अपने दबदबे को कायम रखें और उन्हें हराने की पूरी पूरी कोशिश जारी रहेगी। तीन तीन पॉइंट्स के साथ दोनों लोग बराबरी पर। नागर कृष्णा की सर्व, नागर कृष्णा की सर्व, तीन तीन पॉइंट्स के साथ दोनों ही लोग बराबरी पर। तबीयत थोड़ी सी नासाज। मैच का रुख थोड़ा सा बदलते हुए नागर कृष्णा कुम्स के ऊपर हावी होते हुए 4-3 का स्कोर। फटाफट से अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले आज के जो मैचेस हैं वो भी आपको पता चलते रहे, वो भी आपको दिखते रहे कि भाई कौन कौन से लाइव मैचेस हम लोग शुरू करने वाले हैं। लोअर असम इंडिया, जी हाँ सर, मैच शुरू हो चुका है। मैच का मुजाहरा कुछ इस तरीके से है कि नागर कृष्णा इज एट द लीड बाय 6-3 एंड 6-3 के स्कोर पर नागर कृष्णा, 6-3 के स्कोर पर नागर कृष्णा, 7-3 का स्कोर कुम्स पर बढ़त बनाते हुए, कुम्स पर बढ़त बनाते हुए नागर कृष्णा। बढ़िया लंबी रैली चलते हुए 7-3 के स्कोर के साथ नागर कृष्णा 4 पॉइंट्स की लीड पर। सर्विस चेंज, कुम्स क्रिस्टेन 4-7 के स्कोर पर, 1 पॉइंट कुम्स क्रिस्टेन के हाथ में, 2 पॉइंट कुम्स क्रिस्टेन के हाथ में। लीड थोड़ी सी कम होते हुए 2 पॉइंट्स की लीड मात्र रह गई है। यहां सर्विस ब्रेक करनी होगी और पॉइंट गेन करते हुए लीड वापस से बढ़ानी होगी नागर कृष्णा को अगर पहले गेम में जीत हासिल करनी है। ये देखिए कर दिया नागर कृष्णा ने 1 पॉइंट के साथ सर्विस ब्रेक और सर्विस अब नागर कृष्णा की 8-5 का स्कोर, 8-5 का स्कोर, 8-5। ग्रेट ब्रिटेन के कुम्स ने वापस से कर दिखाया, सर्विस ब्रेक करी, पॉइंट गेन किया, 6-8 का स्कोर यहां पर, वापस लीड 2 अंकों के गैप पर पहुंचते हुए। बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है, दोनों ही खिलाड़ी कांटे की टक्कर देते हुए। हर थोड़ी देर में सर्विस चेंज और इसी के साथ एक और बार अनाउंसमेंट कर दूं, 3 पॉइंट्स की लीड पर नागर कृष्णा 9-6 के स्कोर के साथ लीड बरकरार रखे हुए। 1 पॉइंट की लीड बढ़ चुकी है। 5 मिनट का गेम अभी तक हो चुका है, लॉन्गेस्ट रैली में कोई चेंज नहीं, 15 सेकंड की सबसे लॉन्गेस्ट रैली एंड 9 स्ट्रोक्स उस पर्टिकुलर रैली में दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर के लगाए हैं। यहां देखते हुए नागर कृष्णा थोड़ा सा बढ़िया गेम को बनाते हुए 10-6 4 पॉइंट्स की लीड यहां पर नागर कृष्णा के पास, 4 पॉइंट्स की बेहतरीन लीड नागर कृष्णा, 11-6 5 पॉइंट की बेहतरीन लीड कुम्स को राइट लेफ्ट के गेम में फंसाते हुए, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यही कंटिन्यू
कर रहे हैं नागर कृष्णा अपने गेम में तेजी बरकरार रखते हुए, बहुत ही तेजी के साथ शॉट्स खेलते हुए 6-11। कूम्स की कोशिश वही लेफ्ट राइट वाला गेम स्ट्रेटजी बनाने की जो स्ट्रेटजी नागर कृष्णा अपना के चल रहे हैं, वही कूम्स भी बनाकर चल रहे हैं। प्लेयर्स की हाइट थोड़ी सी कम, इस वजह से कोर्ट को इतना आसानी से कवर करना थोड़ा सा मुश्किल, मगर दोनों ही प्लेयर्स अपने कंधों पर, भारत और ग्रेट ब्रिटेन के दोनों प्लेयर्स अपने अपने कंधों पर मेडल की तरफ एक कदम और बढ़ाने का भार लेकर चलते हुए 11-6 का स्कोर, 5 पॉइंट्स की लीड नागर कृष्णा के नाम, बेहतरीन गेम नागर कृष्णा सर्विस करते हुए। बहुत ही बढ़िया चल रहा है यार, थिंग्स आर गोइंग प्रीटी गुड। आप फटाफट से अगर इस गेम को सपोर्ट करते हैं, बैडमिंटन को सपोर्ट करते हैं, तो फटाफट से इस सेशन को जो है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, प्रशांत जैन शॉर्ट्स जो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है पैरालंपिक्स का लाइव कमेंट्री ऑन द ओनली चैनल प्रशांत जैन शॉर्ट्स। फटाफट आए, जुड़े रहे हमारे साथ, सपोर्ट करें नागर कृष्णा को। हाय सर्वेश जी, कैसे हैं? हाय सर्वेश, हाउ आर यू फीलिंग? 13-7 के निजी स्कोर पर अभी नागर कृष्णा 6 पॉइंट्स की लीड के साथ बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं। गेम चलते हुए ग्रेट ब्रिटेन क्रिस्टिन के हाथ में सर्व, गेम को आगे बढ़ाते हुए कोशिश ये करेंगे। शाउट आउट प्लीज सर्वेश मैंथे। हाय सर्वेश मैंथे, किस चीज का शाउट आउट चाहते हैं सर आप? किस चीज का शाउट आउट चाहते हैं आप हमें बताएं। इंडिया टीम का शाउट आउट करना है तो बताएं, नहीं करना है आपका शाउट आउट करना है तो बताएं। 15-7 के गेम में बहुत ही बेहतरीन लीड बनाते हुए नागर कृष्णा सर्विस ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं, पिछले 7 मिनट से कंटिन्यूस लगे हुए हैं। 7 मिनट में 15 पॉइंट नागर कृष्णा के नाम, ग्रेट ब्रिटेन के कूम्स के नाम 8 पॉइंट। 8वें मिनट पर 1 पॉइंट कूम्स को मिलता हुआ, 8 पॉइंट, 8-15 का स्कोर, लीड बेहतरीन। गोल्ड इनकमिंग, यस गोल्ड इनकमिंग फॉर इंडिया। भाई ये मैच जीतने के बाद हम 3 फाइनल मैचेस देखने की कंडीशन में आ जाएंगे, जहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि तीनों अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हमें गोल्ड मेडल देखने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, इंडिया के 3 प्लेयर्स अभी इस मैच के बाद मैं कह दूंगा कि भाई 3 प्लेयर्स जो है वो इंडिया के गोल्ड मेडल खेलने की कंडीशन में आ जाएंगे, या गोल्ड मेडल के लिए फाइट करने की कंडीशन में आ जाएंगे। आज एक मिक्स डबल्स मैच भी है 11:45 पर, प्रमोद जी और पलक कोहली जो है वो उस मिक्स डबल्स मैच को खेलेंगी। जी हाँ राजन कुमार, होपफुली 3 गोल्ड्स फॉर इंडिया। हम सिंगल्स मैच में 3 गोल्ड्स की बात कर रहे हैं इंडिया के लिए, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जी हाँ सर्वेश, मैं पीजे सर का फ्रेंड हूँ। जी हाँ सर्वेश, मैं पीजे सर का फ्रेंड हूँ। यार मैंने बात करी थी कि यार फाइनल एक मैच में तो आ जाओ, बट वो बोले कि यार नहीं तू संभाल, क्योंकि मैंने ऐसा पोर्ट्रे किया है कि भाई स्पोर्ट्स तू संभाल रहा है और पढ़ाई वाला पार्ट मैं संभाल रहा हूँ। व्हाई लॉट्स ऑफ इंडियंस नॉट शोइंग इंटरेस्ट इन वॉचिंग ओलंपिक्स? संगीता जी बहुत एक्चुअली क्या है ना कि इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं, कि एक लाइव वीडियो करेंगे इस पे भी, इस चीज पे भी एक लाइव वीडियो करेंगे। फिलहाल नागर कृष्णा जो है 17 पॉइंट के साथ बेहतरीन लीड बनाते हुए, ये मैं बता दूं आपको, ओपीआर। तो सर्वेश जी थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल कमेंट, एंड संगीता जी मैं आपको बता दूं कि इस रिगार्डिंग हम एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि भाई क्यों इंडियंस ओलंपिक्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्यों हमारा जो रुझान है वो सिर्फ क्रिकेट में दिखाई देता है, क्यों मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आप लोगों को कि अगर ओलंपिक्स में क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो क्या इंडियंस ओलंपिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लगेंगे? ऐसा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरा सवाल आप लोगों के लिए। मीनवाइल 18 पॉइंट के साथ नागर कृष्णा 8 पॉइंट की बेहतरीन लीड बनाए हुए कूम्स को पहले गेम के अंदर हराने की पूरी पूरी तैयारी करते हुए, बहुत ही जल्द हम देखेंगे गेम 1 में नागर कृष्णा की पहली जीत दर्ज होते हुए। माइटी रोर कैसे हो यार, कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं माइटी रोर, आप कैसे हो? हाउ आर यू फीलिंग? सर्वेश जी कोशिश करें कि 3 सिंगल्स गोल्ड की जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हम बात करें मिक्स्ड डबल्स मैच, जो कि प्रमोद कुमार, प्रमोद जी सॉरी, प्रमोद कुमार उनका नाम नहीं है, माफी चाहता हूं,
प्रमोद जी एंड पलक जी का जो मिक्स डबल्स मैच होने वाला है उसमें भी हम सेमीफाइनल्स में जीतें और वहां भी हम गोल्ड की दावेदारी लगाएं, ऐसा मैं चाहता हूं। नागर कृष्णा एक कदम दूर, गेम पॉइंट से 19-10 का स्कोर, पहला गेम जीतते हुए, पहला गेम में जीत दर्ज करते हुए नागर कृष्णा, गेम पॉइंट 10 का स्कोर, या यूं कहिए कि हम गेम जीत चुके हैं गाइस। पहला गेम नागर कृष्णा ने अपने नाम कर लिया है, साबित कर दिया है कि मैं फाइनल्स खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। सर आप आईआईटियन हैं क्या? यार ये सवाल मुझसे पहले भी तुम लोगों ने पूछा था माय डियर रोड। अच्छा चलो एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है? इस सवाल के ऊपर एक सवाल, मेरी आदत जैसा है सवाल के ऊपर सवाल करने की, मगर उससे पहले ये बता दूं कि 11 मिनट का खेल हो चुका है, हम पहला खेल जीत चुके हैं, दूसरे गेम की तैयारी। अब जो कंडीशन चलेगी, कूम्स पहले गेम को हारने के बाद दूसरे गेम में दबदबा बनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर से दोहराऊं जो चीज मैंने सुबह कही थी आप लोगों से, गेम टू में जो भी होगा उसके हिसाब से गेम थ्री की कंडीशनिंग और ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, कि गेम थ्री अगर चलेगा तो वो बेहतरीन गेम होगा गाइस। और अभी गेम टू थोड़ी देर में वापस शुरू होगा, जहां पर कोर्ट चेंज होगा, सर्विस कंटिन्यू चलेगी। एंड कह सकते हो, कह सकते हो। एक सवाल जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि अगर मैं आईआईटी नहीं होता तो क्या? टॉपिक चेंज कर रहे हैं, ठीक है भाई टॉपिक चेंज कर ले यार, टॉपिक चेंज कर ले। हाँ ठीक है, मैं आईआईटी नहीं हूं, कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। अगर आईआईटी होता तो भी आप लोग सपोर्ट करते, मुझे पता है, और आईआईटी नहीं होता तो भी आप लोग मुझे सपोर्ट करते। सवाल सवाल ये है यार कि सेकंड गेम में कौन किस पर हावी होने वाला है, फटाफट से बताइए। क्या ऐसा ही कुछ होगा जैसा हमने राज जी के मैच में देखा था कि भाई सेकंड गेम में भी वही हावी रहे थे, या फिर यहां नागर कृष्णा थोड़ा सा ढील देंगे कूम्स को और कूम्स क्रिस्टेन थोड़ा सा भारी पड़ेंगे? क्या लगता है आप लोगों को? यथीराज जो कि सेकंड मैच में भी भारी रहे थे, वैसा ही कुछ गेम देखने को मिलेगा या कुछ पलटवार किया जाएगा? ओपी सर्वेश बिल्कुल 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 बिल्कुल, इंडिया इज गोइंग टू विन दिस सेमीफाइनल्स। और दूसरे गेम की शुरुआत हो चुकी है, दूसरे गेम की सर्विस जो है नागर कृष्णा के हाथ में, एक पॉइंट नागर कृष्णा ले चुके हैं। हाउ मेनी आर प्रिपेयरिंग फॉर जे 2023? हाँ यार तुम लोग अपनी बात भी करते रहो, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बुला लो यहां पर। मीन वाइल वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी कि नागर कृष्णा और कूम्स में से कौन आज के गेम देखिए। अभी शुरुआती गेम में 3 मिनट में नागर कृष्णा हावी हो चुके हैं कूम्स के ऊपर, 3 पॉइंट लगातार गेन कर चुके हैं नागर कृष्णा, 3 पॉइंट्स लगातार नागर कृष्णा गेन कर चुके हैं। कूम्स के खाते में अभी एक भी अंक नहीं पड़ा है। 3 मिनट 3 पॉइंट, गेम बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ता हुआ, 4 मिनट होने की कगार पर और 4 पॉइंट्स यहां पर नागर कृष्णा के खाते में। राइट 2023, वाह 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 वाह। संगीता यादव क्या पूछने जा रही हैं आप सर? सेकंड मैच जीतने के बाद, सेकंड मैच जीतने के बाद बेटा सिंपल सी चीज ये होगी, सॉरी वो फ्लो में आदत वही है, आदत वही है कि बेटा निकल जाता है स्टूडेंट्स के लिए। सो पॉइंट ये है कि 5 पॉइंट हो चुके हैं, 5 पॉइंट की कंटिन्यूस लीड यहां बरकरार, अभी एक भी पॉइंट जो है गेम टू में कूम्स के हाथों में नहीं आया है। तो सेकेंड मैच जीतने के बाद हम देखेंगे नागर कृष्णा का फाइनल मैच जो कि आज ही होने वाला है, उसका अपडेट भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। मगर 11:45 पर एक मैच जो है हमारा डबल्स मिक्स मैच, वो भी हम आपके लिए लाइव लेकर के आएंगे। उस मैच को रिमाइंडर के तौर पे सेट कर लीजिए। कुम्स ने अपना खाता खोल लिया है, सर्विस चेंज, 1-5 का स्कोर, 4 पॉइंट्स की लीड अभी भी बरकरार कुम्स के ऊपर, 4 पॉइंट्स कमाने का अभी भी दारोमदार बैठा हुआ है। फटाफट से देख लेते हैं कोई चेंज अगर कहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है। 12 लोग वॉचिंग, 12 लोग मेरे साथ इस सपोर्ट में। हाउ मेनी टोटल बैडमिंटन प्लेयर्स हैव दिस ईयर इन पैरालंपिक्स? रिया मौर्या, बहुत सारे प्लेयर्स थे, बट फाइनल्स की बात कर लेते हैं। फाइनल्स की अगर हम बात करें तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई कितने बैडमिंटन प्लेयर्स गए थे, तो ओलंपिक्स यानी कि पैरालंपिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पैरालंपिक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि ओपनिंग ऑफ पैरालंपिक्स है। वहां मैंने सारी डिस्क्रिप्शन दी है कि भाई कितने
क्या सीन है, कितने प्लेयर्स किस गेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 54 प्लेयर्स का सबसे बड़ा कंटेंजेंट हमारे इंडिया की तरफ से गया है इस बार, पहली बार। वो वीडियो आप देख लीजिए रिया मौर्या, चैनल लिस्ट में जाकर के। विच स्पोर्ट? बैडमिंटन चल रहा है भाई अथर्वा, बैडमिंटन चल रहा है, बैडमिंटन इज गोइंग ऑन। सर आपके चैनल में इतने व्यूज नहीं आते हैं, माइटी रोड यार, आप लोग सपोर्ट करोगे तो चैनल में व्यूज भी डेफिनेटली आएंगे, ऐसा मैं आप लोगों को बता दूं, आप सपोर्ट करते रहो। ऋषभ भारती, हेलो ऋषभ भारती, हेलो 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 ऋषभ भारती, हेलो फ्रॉम इंडिया टू इंडिया। सर पलक दी का क्या हुआ? पलक दी, पलक दी स्पोर्ट्स बताओ यार, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। पलक 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 कोहली की आप बात कर रहे हैं, राइट? पलक कोहली की आप बात कर रहे हैं, तो पलक जी का अभी एक डबल्स मैच है यार, वुमेन सिंगल्स मैच अभी नहीं है। मैं आप लोगों को उस मैच के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये आज की प्लेइंग लिस्ट है, आज के मैचेस कुछ इस तरीके से हैं। पलक दीदी की आप बात कर रहे हो, तो पलक दीदी का अभी सेमीफाइनल है 11:45 पर। माइटी रोड, मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते यार, इसलिए व्यूज नहीं आते क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो यार। आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली व्यूज आएंगे। अब देखो 12 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 8 ही लाइक है, मतलब 12 लोग देख रहे हैं तो 12 लाइक्स होने चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। पलक कोहली जी का क्या हुआ? पलक कोहली जी का डबल्स मैच है यार, पलक कोहली जी का डबल्स मैच है। और यहां भी मैं आप लोगों को बता दूं कि पलक कोहली जी का जो डबल्स मैच है वो भी हम देखेंगे 11:45 पे। एंड सिंगल्स मैच में जो है, सिंगल्स मैच पलक कोहली जी ने बीट किया था वुमेन सिंगल्स यहां पर 2 तारीख को, और उसके बाद जो है फिर आगे और बात करेंगे। अभी चलते हैं वापस से स्पोर्ट्स की तरफ। 10-3 का यहां पर बेहतरीन स्कोर नागर कृष्णा मैराडोना। ओके, बहुत ही पर्सनल सवाल यहां पर बात करेंगे यार इस सवाल के बारे में। आईशी जी बिल्कुल बात करेंगे, बट अभी मैच पे कंसंट्रेट करते हैं। 11-3 का स्कोर है सर, मैं लाइक कर दिया, थैंक यू ऋषभ भारती, थैंक यू सो मच। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है यार, माय नेम इज आकाश वर्मा, एंड यू गाइस आर वाचिंग पैरालंपिक्स सेमीफाइनल मैच नंबर पता नहीं कौन सा। बहुत सारे मैचेस हुए आज, कोर्ट वन के अंदर ये मैच चल रहा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, 10 वॉचिंग और 8 लाइक्स, वाह। वॉचिंग कम कर दी तुम लोगों ने, है मतलब जो लोग मैच को छोड़ के जा रहे हैं उनसे मैं बोलना चाहूंगा, वॉच कम कर दिया भाई, वॉच कम कर। सर ये फाइनल्स है क्या? नहीं ऋषभ, ये फाइनल्स नहीं है, दिस इज सेमीफाइनल्स गोइंग ऑन राइट नाउ। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 3 सिंगल्स फाइनल देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके का नागर कृष्णा का परफॉर्मेंस चल रहा है, जिस तरीके से वो कूम्स को छका रहे हैं पूरे मैच में, वो बेहतरीन तरीका है। और हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि हम आज 3 फाइनल्स देख लेंगे, सिंगल्स मैच, और फिर 11:45 पे जो सेमीफाइनल है उसकी भी हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि हम डबल्स का भी फाइनल देखेंगे। बट ये सेमीफाइनल्स चल रहा है ऋषभ, दिस इज सेमीफाइनल्स गोइंग ऑन राइट नाउ। जी हाँ बिल्कुल, प्रमोद भगत जी के गोल्ड मेडल में हम लाइव होंगे, बिल्कुल लाइव होंगे बेटा, बिल्कुल लाइव होंगे, और उसकी लाइव स्ट्रीम भी मैंने बना रखी है। आप फटाफट से उसको रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, आप फटाफट से उसको रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, क्योंकि आज के सारे मैचेस हम लोग लाइव जाने वाले हैं। प्रमोद भगत जी का जो मैच है वो हम बड़ी स्क्रीन से लाइव जाएंगे, एंड कोशिश करूंगा कि आपको बड़ी स्क्रीन पर ये स्कोर दिखाया जाए ऐसा, और मैं भी थोड़ा सा मतलब बड़ा दिखूं वहां पर आप लोगों को। अभी मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, तबीयत थोड़ी सी नासाज, आपकी तबीयत खराब लग रही है, कुछ लेते क्यों नहीं कुछ लेने की उम्मीद बनी नहीं यार, क्योंकि सुबह से कंटिन्यूस स्ट्रीम कर रहा हूँ, सुबह से कंटिन्यूस स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो बस यही चीजें चल रही है, तो इसीलिए तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब। डेफिनेटली 11:45 के मैच से पहले मैं कुछ ना कुछ ले लूंगा। अमीशा हाय, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अमीशा आप कैसी हैं? जी हाँ बिल्कुल आईशी, ब्रॉन्ज मेडल भी हम लोग लाइव करेंगे, ब्रॉन्ज मेडल भी हम लोग लाइव करेंगे, डेफिनेटली सारी स्ट्रीम्स बनी हुई हैं आईशी, आप फटाफट से सारी स्ट्रीम्स का रिमाइंडर सेट कर सकती हैं। 13-5 के स्कोर के साथ नागर कृष्णा अपनी जीत की तरफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कदम बढ़ाते हुए। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू विन दिस, होप अलाइव फॉर 3 गोल्ड्स। रिया मौर्या, मैं कहूंगा डबल्स मैच में भी जीत की उम्मीद रखें, डबल्स मैच में भी जीत की उम्मीद रखें, क्योंकि पलक और प्रमोद जी जो हैं वो भी हमें जीत की तरफ ही ले जाने के लिए खेलेंगे, और बेहतरीन प्लेयर्स हैं दोनों। तो 4 गोल्ड मेडल मैच की उम्मीद मैं कर रहा हूं, और 1 ब्रॉन्ज मेडल मैच की उम्मीद भी मैं कर रहा हूं।
तो गाइस, चार गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल हम आज बिल्कुल साक्षात देखने वाले हैं। एक ब्रॉन्ज मेडल मैच के बारे में अभी कुछ डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, तो उस ब्रॉन्ज मेडल मैच के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि वो ब्रॉन्ज मेडल मैच कब तक ऑर्गेनाइज किया जाता है। मगर फिलहाल अभी सर मेरे फ्रेंड का नाम लो, शिव जोशी। शिव जोशी जी, बहुत बहुत आभार हम प्रकट कर रहे हैं अमीषा जी का कि उन्होंने हमें आपका नाम लेने के लिए प्रेरित किया। तो शिव जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कैसे हैं आप? शिव जोशी जी, अगर आप लाइव में हैं तो हेलो हाय कुछ लिख दीजिए। रिमाइंडर नहीं दिख रहा है, रिमाइंडर नहीं दिखेगा। आप एक काम करें, चैनल के पेज पर जाएं, आईसी चैनल के पेज पर जाएं, चैनल का जो मेन चैनल आर्ट वाला पेज होता है जिसको हम यूट्यूब पेज बोलते हैं, वहां पर जाएं। वहां पर तीनों स्ट्रीम्स कंटिन्यूस स्ट्रीमलाइंड होंगी, वहां जाकर के आप जो है मैच को रिमाइंडर सेट कर सकती हैं। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूं कि आपको क्या करना है। इस तरीके से यूट्यूब पर हमारे चैनल पे जाना है आपको, प्रशांत जैन शॉर्ट्स लिखिए, प्रशांत जैन शॉर्ट्स लिखें, और इस तरीके से जो है योर चैनल मैं कर रहा हूं, बट आप जो है योर चैनल ना करें, आप प्रशांत जैन शॉर्ट्स लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का विजिबिलिटी आपके सामने आएगा। ये देखिए, ये देखिए, कुछ इस तरीके का विजिबिलिटी आपके सामने आएगा। यहां आपको अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स दिखेंगी, मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए, मनोज सरकार जी का ब्रॉन्ज मेडल मैच हमने यहाँ स्ट्रीम कर रखा है, जो कि आप यहाँ रिमाइंडर सेट कर सकती हैं। देन डबल्स मिक्स मैच जो 11:45 पे है, उसका रिमाइंडर यहाँ आप सेट कर सकती हैं। देन मूविंग ऑन फर्दर, भगत जी का जो फाइनल गोल्ड मैच है उसको आप स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं। ये तीनों मैचेस स्ट्रीम यहाँ लगा रखे हैं मैंने, तीनों मैचेस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा मैं। और उसके बाद एक ब्रॉन्ज मेडल मैच की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका जैसे ही डिक्लेरेशन आता है, टू बी डिक्लेयर्ड है अभी वो, जैसे उसका डिक्लेरेशन आता है उसका भी लाइव स्ट्रीम हम लोग करेंगे। सेट द रिमाइंडर, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये मैचेस, और यहां हम चलते हैं वापस से, एक बार वापस देख लेते हैं। 12 मिनट का मैच अभी तक हो चुका है, 15 अंक नागर कृष्णा जी के खाते में आ चुके हैं, एंड कुम्स जो है 7 रन बना चुके हैं, 7 अंक बना चुके हैं, रन नहीं बना चुके हैं। क्रिकेट का थोड़ा सा भार मेरे ऊपर। फाउंड इट, फाउंड इट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेडिंग टुवर्ड्स 20 मेडल्स टुडे, प्रेस फॉर पैरा। यार ये जो हैशटैग है, ये बहुत ही बेहतरीन हैशटैग है, प्रेस फॉर पैरा। इसको प्लीज अपने साथ बनाए रखें, और रिया मौर्या जी जो हैं उनके साथ बने रहें और हमारे साथ भी बने रहें। प्रेस फॉर पैरा, प्रेस फॉर नागर कृष्णा, बहुत ही बेहतरीन मैच चलता हुआ। दूसरे मैच में ही मुझे लग रहा है कि वो डिक्लेयर कर देंगे कि भाई हम तो फाइनल खेलने वाले हैं। क्या लिखा है आईसी? वेन पैरालंपिक एमडी, एमडी लिखा है। क्या लिखा है आईसी? क्या कहना चाहती हैं आप, क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, अभी तक हम लोग 15 मेडल जीत चुके हैं, राइट? 15 मेडल हम लोग जीत चुके हैं। आज सुबह हम लोगों ने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूटिंग में एक गोल्ड और एक सिल्वर जीता है। और पैरालंपिक एंड, कल पैरालंपिक का एंडिंग सेरेमनी है, कल आखिरी दिन है, पैरालंपिक का एंडिंग सेरेमनी कल होने वाला है। आईसी आगे बढ़े 16-10 के स्कोर के साथ, कूम्स की सर्विस और 10 पॉइंट्स कूम्स के खाते में। बताया मैंने आईशी आपको कि कल लास्ट डे है, टुमारो इज द फाइनल डे फॉर पैरालंपिक्स। आईशी मैं बता चुका हूं, 5 तारीख, 5 सितंबर आखिरी दिन पैरालंपिक्स के लिए। आज बहुत सारे मेडल्स हमारे पास, हमारे खाते में आने वाले हैं। 3 गोल्ड की उम्मीद यहां लगी हुई है सिंगल्स मैच से, 1 गोल्ड की उम्मीद लगी हुई है यहां डबल्स बैडमिंटन मैच से, और 1 ब्रॉन्ज मेडल मैच हमारा, वो भी स्ट्रीमलाइंड है। 17-11 का स्कोर, कूम्स जो है, कूम्स 11 रन के साथ, 11 अंकों के साथ बढ़त बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए नागर कृष्णा को थाम के रख रखा है। वी वॉन्ट टू सी फुल मैच, वी वॉन्ट टू सी फुल मैच, फुल मैच। पूरा कौन सा मैच देखना चाहती हैं आप? संबित, अभी तक हम 15 मेडल जीत चुके हैं भाई, अभी तक हम लोग 15 मेडल जीत चुके हैं। संबित, 15 मेडल्स अभी तक हम लोग जीत चुके हैं। अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि कितने मेडल्स हम लोग जीते हैं, तो जस्ट मुझे 1 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि भैया ये सीन रहा है मेडल्स का, राइट?
सी तबीयत खराब होने की वजह से बहुत ही बुरी हालत मेरी यहां। गेम पॉइंट से मात्र एक अंक दूर नागर कृष्णा, गेम पॉइंट से मात्र एक अंक दूर नागर कृष्णा, गेम पॉइंट से मात्र एक अंक दूर। बेहतरीन गेम पॉइंट यहां पर एक अंक दूर अपनी जीत से, और यह साबित करते हुए कि भाई हम जीत चुके हैं सेमीफाइनल्स में एक और जीत। तो गाइज तीन गोल्ड मेडल मैच आज आप लोग देखने वाले हैं, नागर कृष्णा, प्रमोद जी और यति राजा। वाई यू डू नॉट शो लाइव, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक हमने लाइव दिखाने की कोशिश करी थी और हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उस लाइव की वजह से, तो इसीलिए हम लोग लाइव नहीं दिखा पाते हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मगर अभी के लिए अपडेट ये है भाई कि एक और गोल्ड मेडल मैच हमारे खाते में आता हुआ, एक गोल्ड मेडल हम लोग वापस से जीतते हुए ऐसा दिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ये गोल्ड मेडल भी हम जीत जाएं, और अभी तक टोटल 15 मेडल्स हम लोग जीत चुके हैं, जिसमें अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 7 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है हमारे पास, और 3 जो है हमारे पास गोल्ड मेडल है। ओलंपिक लाइव ऑन प्रसार भारती, हाँ अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो प्रसार भारती पे चले जाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाई नॉट यू शो लाइव, मैं आपको बता चुका हूं। तो इसी तरीके से एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि भाई हमने आज सुबह सुबह मनीष नरवाल जी को देखा गोल्ड मैच जीतते हुए, गोल्ड मेडल जीतते हुए, सिंगराजा को देखा सिल्वर मेडल जीतते हुए, शूटिंग के अंदर हम लोग ये मेडल्स जीते हैं। 11:45 पे फिर से मुलाकात करेंगे, एक और बार बधाइयां आप सभी को, नागर कृष्णा जी को बधाइयां, और अगले लाइव में बात करेंगे इस सवाल के बारे में। आयशी आप अगले लाइव में हमारे साथ जुड़े, जो कि 11:45 पर हम लोग लेने वाले हैं। 11:45 पर अगला लाइव मैच, डबल्स मिक्स्ड मैच, जो कि प्रमोद और पलक जी के अगेंस्ट खेलने के लिए हम लोग बैठे हैं, मतलब हम नहीं बैठे हैं, मतलब दूसरे प्लेयर्स बैठे हैं जो कि खेलेंगे, प्रमोद भगत। एंड ये देखिए, ये वो मैच है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, ये मैच है वो जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। इसका हम लोगों ने लिंक बनाया हुआ है, प्रमोद भगत जी एंड कोहली जी जो है वो खेलेंगे हैरी और लीनिए लियानी के अगेंस्ट, राइट। सो इसी तरीके से बने रहे मेरे साथ और जुड़े रहे मेरे साथ, बधाई आप सभी को। अगले मैच में फिर मुलाकात करेंगे इसी सवाल के साथ, फिर से कंटिन्यू करेंगे आईशी, तब तक बाय बाय।